हमारे प्रदेश के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय श्री कुमार डेहरिया जी, बहुत ही सम्मानी नंद कुमार साय जी, बड़े भैया धनेन्द्र साहू जी, कुलदीप जुनेजा जी, अनीता शर्मा जी, भाई विकास उपाध्याय जी, शारदा वर्मा जी, हमारे मुख्य सचिव आर पी मंडल जी, राकेश चतुर्वेदी जी, सी के खेतान जी और सब अधिकारी मन उपस्थित हजारों की संख्या में आए हमारे सब भाई बहनी मन, नौजवान साथी मन, लड़का मन और पत्रकार संगवारी मन, साथ ही हमारे सब कलाकार मन, राज्योत्सव कल शुरुआत करेंगे। उद्घाटन भाषण में सबो बात हम कह चुके हैं। आज राज्यपाल महोदया के भाषण हम सुनना है। कुछ बात ये छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ के जनता ला सुविधा दे के काम जिन हमारे सरकार करा थे आप सबके सामने है। जहां किसान मन ला मजबूती प्रदान करे बर ऋण माफी, 2500 रुपया क्विंटल में धान, बिजली बिल और सिंचाई कर में माफी, ओकरे साथ साथ आम जनता पर 35 किलो चावल और हमर आदिवासी क्षेत्र में रहिया जिन हमर आदिवासी किसान मन है, ये लोहाड़ी गुड़ा में 4200 एकड़ जमीन 1700 आदिवासी किसान के लेगेरी से और वापस करे के काम हमर सरकार करे। बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, चाहे हमारे मध्य क्षेत्र में रहिया हमारे आदिवासी भाई मन हो, बहुत अना समस्या से जूझा थे। चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट का मामला हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाए के बात हो, हमारे सरकार आए के बाद ऐसे जिन आम जनता से जुड़े हुए फैसला करें जेकर से सीधा लाभ आम जनता मिला थे। पहली जाति प्रमाण पत्र बनाए पर बहुत ऑफिस मन के चक्कर काटे पड़ा थे, लेकिन अब जेकर पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है, चाहे आदिवासी हो चाहे अनुसूचित जाति के हो, जन्म के साथ ही लेकर जाति प्रमाण पत्र मिल गए। जैसे छोटे छोटे जन रजिस्ट्री रही से भूखंड रही से तेकर मन के रजिस्ट्री नहीं होत रही से, रजिस्ट्री लमन खोल दे उकर से हजारों हजार परिवार के मकान बनाए गए, सपना है दिन पूरा हुई, राजस्व के राजस्व में वृद्धि हुई। ऐसे काम एक छोटे से उदाहरण देता हूं, हमारे राज्यपाल जी भी बहुत संवेदनशील है। जब 2 अक्टूबर के अमन गांधी जयंती मना दे 150वीं जयंती के अवसर में उद्घाटन समारोह में राज्यपाल महोदया वहां पहुंचे रही से कबीर के भजन चलत रही से हम दोनों जनमंच पे बैठे रहे। एक बात मुल्केश जैन परिवार नक्सली घटना में हताहत हो है, जेकर परिवार के सदस्य के मौत हो गए है, कम से कम वो परिवार छैया मिलना चाहिए, उकर मकान बनना चाहिए। राज्यपाल महोदय की कतेक अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ उकर बल चिंता है और हम विधानसभा में एक बार हम घोषणा करें कि वो परिवार जो नक्सली घटना में जेकर मौत हो है, वो परिवार के सदस्य पर एक बढ़िया से मकान बना के हम दे। और उसके शहर देता से जब आज छत्तीसगढ़ में किसान के धान अब खेत से खलिहान में आना है और सरकार कटिबद्ध है 2500 रुपया दे बर, लेकिन भारत सरकार के अनुबंध है जेकर कारण से कहे जाते कि
यदि 2500 रुपए हम खरीदे तो हम सेंटलपुर में हमें चावल नहीं लाने उगर शीतलीकरण करे पर राज्यपाल महोदय से मन आग्रह करे बहुत सहृदयता से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है छत्तीसगढ़ के किसान मन के अर्थव्यवस्था हम सब के धान से जुड़े हुए खेती से जुड़े हुए हैं एक पत्र छत्तीसगढ़ के हित पर लिखे हैं तो मैं बहुत हृदय से राज्यपाल महोदय का धन्यवाद देता हूँ सार्वजनिक मंच से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत छत्तीसगढ़ के हित पर तत्काल आप फैसला करें एक बार बहुत बहुत मैं आप हृदय से धन्यवाद देता हूँ आदरणीय साथियों आज केवल किसान के बात नहीं केवल आदिवासी के बात नहीं बल्कि हमर जिन नौजवान हैं हमर जिन व्यापारी हैं ओकरो मन के हित के ध्यान हमन रखा था कैसे ढंग से रोजगार मिल सके कैसे उद्योग के बढ़ावा मिले और कैसे केवल कुछ शहर भर में उद्योग नहीं बल्कि हमर बस्तर में सरगुजा में जसपुर में जैन जिला में उद्योग नहीं है वहाँ फल से फूल से सब्जी से अनाज से जुड़े हुए जिन उद्योग हैं तेला हमन लगान ताकि हमर किसान मल्ला ओकर उपज के लाभ भी मिले हमर नौजवान मल्ला रोजगार मिले और व्यवसायिक मल्ला व्यवसाय करे के अवसर मिले और ओकर भर हमन 2019 और 2024 के जैन उद्योग नीति है तेकर कल हमन शुरुआत करें नगरी क्षेत्र में भी विशेष रूप से ध्यान दिए जा रहे हमें ना अब कोनो लोग कार्यालय जाए के मुख्य कार्यालय जाए की जरूरत नहीं है अब आम जनता ले छोटे छोटे समस्या पर जिन वार्ड के जिन कार्यालय है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय देकर हम शुरुआत करें देकर ताकि आम जनता लोग का लाभ मिल सके हम तो राज्योत्सव भी जिन नवा राजधानी में रही से बोला साइंस कॉलेज लगाए ताकि रायपुर के आवास पास के आदमी मतलब छत्तीसगढ़ के आदमी मतलब आए ज्यादा तकलीफ मत हो पूरा परिवार के साथ यहाँ आए आवाज देख ले बिना गाड़ी घोड़ा किए ही हजारों के तादाद में परिवार सहित यहाँ आप सब आए हो और यहाँ जिन पंडाल लगे देखकर मुआयना करा था छत्तीसगढ़ के विकास कैसे हुई का हमर सरकार करा थे बहनी मन पर का कर थे आदिवासी पर अनुसूचित जाति पर नौजवान मन पर का कार्यक्रम है उगर बहुत बढ़िया पंडाल लगे है उगर आप सब मुआयना करा था सिंचाई योजना कौन प्रकार से होना चाहिए खनिज नीति हमार कैसे होना चाहिए ये सब के रूपरेखा यहाँ दिखाए गए बहुत देकर सब पूरा परिवार के साथ आगे कर आनंद लेता हैंडलूम के बने हुए साड़ी हो चाहे चादर हो सबके विक्रय की भी व्यवस्था है हमर देवभोग के रबड़ी है मिठाई है ओकरो स्टॉल यहाँ लगे है तो सब कर चौबे जी बता दे कि रबड़ी हूँ खवाए राजपाल बहुत बढ़िया सब आप सबके सहभागी से ये आयोजन हो है गरबर में आप सब लोग बहुत बहुत बधाई देते हुए हमारे जिन लोक कलाकार है वो मतलब बहुत बधाई देते हुए अलग अलग रंग दिखाई देते चाहे बस्तर के हो चाहे सरगुजा के हो चाहे हमारे पंडवानी हो चाहे वह सुवा हो सबके आनंद हम सब ले थन चूंकि आज राज्यपाल महोदय मतलब सुनना है ओकर से और ज्यादा लंबा न करते हुए पुनः आप सब बधाई देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ धन्यवाद जय हिंद जय छत्तीसगढ़